हेलो बड़ीज़, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चा लोग, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म है, है ना। आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म। तो वहाँ पे क्या माने थे, क्यू वन एंड क्यू टू चार्ज माने थे और इनके बीच में लोग कुछ डिस्टेंस मारे थे आर। अगर ये लाइक चार्ज है तो इधर क्या होता, रिपल्सन हो रहा था, फोर्स टू पे लग रहा था वन की वजह से, और इधर फोर्स लग रहा था वन पे टू की वजह से। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जो आएगा बच्चा लोग, वो आएगा यूनिट वेक्टर। जनरली क्या होगा कि यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका आर वन टू यूनिट वैक्टर जो है क्यू वन से क्यू टू की ओर लेंगे, और यहाँ से हम लोग आर टू वन यूनिट वैक्टर टू से वन की ओर लेंगे। क्लियर है। अब जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं एफ वन टू, तो एफ वन टू क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ एफ वन टू इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिखे, तो एफ वन टू का डायरेक्शन और यूनिट वैक्टर आर टू वन का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आर टू वन यूनिट वैक्टर लिख देंगे। क्लियर है बात मेरा। हम यहाँ एफ वन टू इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ आर। ठीक, तो आर टू वन की जब भी लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ आर, तो ये आपको हो जाएगा बच्चों लोग के क्यू वन क्यू टू वेक्टर आर बाई आर का क्यूब, ये आपको हो जाएगा कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। क्लियर बात मेरा, ये बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के साथ यूनिट वेक्टर जब लिख देंगे बच्चे लोग, तो ये क्या होगा, आपका वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है बात। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपका ये जो कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है इस पर क्वेश्चन आया है नीट में, इसको थोड़ा लोग देखते हैं। देखिए बोला ये गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, द क्वेश्चन इज दैट वन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन जो बच्चे लोग अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसका जो रेडियस है आर दे दिया गया है। तो बोला ये गया कितना कूलम फोर्स जो है उस पर लग रहा है, आपको बताना है। फाइंड द कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो भाई इसका ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन दिया हुआ था, ए इज इक्वल टू माइनस के ई क्यूब बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ऑप्शन बी माइनस के स्क्वायर वेक्टर आर क्यूब बाई वेक्टर आर, ऑप्शन सी माइनस के स्क्वायर सॉरी प्लस के स्क्वायर वेक्टर आर क्यूब बाई वेक्टर आर, एंड ऑप्शन डी इज के ई क्यूब वेक्टर आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। तो इन चारों ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए भाई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम के चारों ओर अपने ऑर्बिट में, उसका भाई चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये क्या होगा बच्चे लोग, माइनस ही चार्ज ऑफ प्रोटोन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से प्रोटोन पाया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ही। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे वो कितना लगेगा बच्चे लोग, के ई ई इंटू माइनस ई, डिस्टेंस मान लीजिए आर दिया हुआ है आर स्क्वायर क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला आया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ और दिया हुआ, यहाँ पे भाई क्या क्या है, कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म ना लिख के वेक्टर फॉर्म लिख दिया, तो हम लोग क्या करें यूनिट वेक्टर दे देंगे यहाँ पर, तो यूनिट वेक्टर देंगे। तो चलो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूलाज है उसमें आप देखिएगा, तो ई का पावर थ्री है, तो भाई ए और डी नहीं होगा, क्या हो सकता है, बी और सी हो सकता है। तो अब जैसे कि हम बताएं यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ आर, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर को माइनस के स्क्वायर वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ आर। तो मॉडुलस ऑफ आर क्या हो जाएगा, चलो आर का पावर थ्री, यानी आपका माइनस कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर
बी। तो ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन था नीट में जो पूछा गया था। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डायलेक्टिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, कि डायलेक्टिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, ये क्या होता है। जैसा कि हम आपको एक लेक्चर बता चुके हैं कि किसी भी दो चार्जेस को जब हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, उसी दो सेम चार्ज को उठाकर किसी मीडियम में रख देंगे तो उन दोनों के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसका वजह क्या होता है, देखो समझो, हर एक मीडियम का अपना एक परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी कहने का मतलब क्या है कि मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी किसी दो चार्जेस को हम लोग किसी फर्दर डिफरेंट मीडियम प्लेस करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो रिपल्सन है वो डिक्रीज कर जाता है। डिग्रीज होने की वजह क्या होता है कि वो मीडियम में जब चार्जेस को प्लेस किया जाता है उस चार्जेस को पोलराइज कर देता है। पोलराइज करने का मतलब क्या है, मान के चलो भाई आपका चार्ज Q1 है, Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया यार, तो इनके बीच में जो फोर्सेज लगेगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R2। लेकिन आप क्या करेंगे, इस Q1 Q2 को जो हम लोग मीडियम में प्लेस करेंगे किसी भी मीडियम में जनरली, तो मीडियम प्लेस करने पर क्या होता है, चलो सेम डिस्टेंस में जब रखेंगे, ये अगर आपका मीडियम है ये चार्ज क्या करेगा, आसपास के मीडियम को पोलराइज कर देगा, ये पोलराइज कर देगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, Q1 Q2 के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो थोड़ा डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R2, इन दोनों के बीच में जो फॉर्मूला लिखा है चलो वो क्या होगा, F=1/4π0 Q1 Q2 R2। तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, एप्सिलॉन लिखे हैं। तो देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है जनरली इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, क्लियर। और एप्सिलॉन जो है चलो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, क्या ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी हर एक मीडियम का अपना अपना एक परमिटिविटी होता है, यानी कहने का मतलब दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको ये अफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी चार्जेस को वो कितना पोलराइज कर पा रहा है, ठीक है बात मेरा। अब देखो यहाँ पे जो दो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, देखिए जैसे एक फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं वैक्यूम के केस में F=1/4π0 Q1 Q2 upon R2, जबकि मीडियम के केस में लिखे हैं बच्चों F=1/4π0 Q1 Q2 upon R2, इक्वेशन वन होगी, इक्वेशन टू हो गया। अगर हम लोग इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे इक्वेशन वन से, वन को कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वन को डिवाइड कर देते हैं टू से, तो देखो क्या होता है, F=1/4π0 Q1 Q2 upon R2 by 1/4π0 Q1 Q2 upon R2। तो बच्चा लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 1/4π कट जा रहा है, Q1 Q2 by R2 Q1 Q2 R2 कट जा रहा है, तो बचा क्या, F=F medium = ε/ε0, है ना, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। अब ये जो पार्ट आया बच्चों, रेशियो जो आया है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कहने का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है। तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली में रेशियो होता है किसका, F=F medium, यानी किसी दो चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में रखें, उसी दो सेम चार्ज को मीडियम में रखें, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्सेस का जो रेशियो है वो आपको क्या देगा, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए F=F medium = εr, यानी द रेशियो ऑफ
the ratio of force of attraction attraction or repulsion between two charge without medium to with medium इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलो रिलेटिव परमिटिविटी भी एक क्वेश्चन है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई किसी भी दो चार्ज को हम लोग अगर मीडियम चेंज करते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्सेस है वो डिक्रीज कर देता है आपका वैक्यूम के कंपैरिजन में। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो चार्जेस को अगर हम मीडियम में प्लेस करेंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्सेज है वैक्यूम के कंपेरिजन में के टर्म्स डिक्रीज कर जाता है। तो इस पर एक सवाल है आप लोग का, सवाल ये है कि मान के चलो, देखिए सवाल ये बोला गया कि कोई दो चार्ज स्पेयर है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस सेपरेट किया गया था आर, ठीक, या डी मान लीजिए, तो उस पर एक फोर्स लग रहा था। उसी सेम दोनों चार्जेस को हम लोग लिक्विड में डुबा दिया तो लिक्विड का जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था वो लगभग 2 था। कितना था? हाँ 2। तो बोला गया कि भाई जो नया फोर्स जो लगेगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा बताइए। क्या बोले? सवाल देखो, सवाल ये है कि किसी भी दो स्फीयर को जिसमें जिसको हम लोग कुछ दूरी पे रखे हैं दैट इज आर, तीन पे क्या है कि वैक्यूम में जब रखे तो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है बच्चा लोग एफ, ठीक। अब इसी दोनों स्फीयर को अगर हम लोग किसी दूसरे मीडियम में जाकर प्लेस करते हैं, मान के चलो वो मीडियम लिक्विड है, तो उस मीडियम लिक्विड का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है आपका आ रहा है के, ठीक है। तो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा इन दोनों स्फीयर या रिपल्सन जो लगेगा वो कितना होगा आपको बताना है। तो जैसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो फोर्स जो लगेगा मीडियम पे वो किसके बराबर है? एफ वैक्यूम बाई के। के क्या है? डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब भाई मेरा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दे दिया मीडियम का? वो दे दिया 2। यानी जो फोर्स जो लगेगा चलो मीडियम पे वो मेरा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा वैक्यूम के कंपैरिजन में। ये आपका सिंपल सा आंसर। क्लियर? इतना बात समझ में आया? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो जनरली रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो किसका? एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम का, या परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है। एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है चलो, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट, जैसे वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर का वो 1 होता है, ठीक है। फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, जबकि कंडक्टिव मटेरियल मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक। किसके लिए? फॉर कंडक्टिव मीडियम, फॉर कंडक्टिव मीडियम के लिए आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये बात आप लोगों को समझ में आया? अब देखो इसमें क्या है कि भाई मान के चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन बेस्ड है, इसको आप लोग कर लिए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन कुछ कुछ बेसिक नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन बाय डी एक्स, ये होता है चलो एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक्स का पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 आगे लिखेंगे 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। क्लियर? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कैपिटल चार्ज क्यू आपको दिया गया है, उस कैपिटल चार्ज को क्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए हम आपको एक कैपिटल चार्ज क्यू दिए, इसको दो पार्ट में तोड़े, एक स्मॉल क्यू और दूसरा जो है क्यू माइनस क्यू, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है मान के चलो आर ले लिए, ठीक। तो बोला गया कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। क्या लग रहा है? मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है, चलो तो क्यू बाई क्यू का रेशियो क्या होगा आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या गया कि कैपिटल चार्ज क्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक, एक स्मॉल क्यू और दूसरा क्यू माइनस क्यू, कोई दिक्कत, इनके बीच का सेपरेशन आर माना गया। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो जब फोर्स अगर मैक्सिमम लगेगा तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो भाई कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग जब एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बचलो फोर्स मेरा मैक्सिमम बोल रहा है, तो फोर्स मेरा मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन ये है कि फोर्स का डिफ्रेंशिएशन जब चार्ज के रिस्पेक्ट में करेंगे वो जीरो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो चार्ज जो है स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में थोड़े हैं, तो डिफ्रेंशिएट भी करेंगे जो स्मॉल चार्ज के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, और स्मॉल चार्ज के रिस्पेक्ट में जब फोर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो के बराबर जब आएगा तो कहेंगे भाई मेरे लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में, कहेंगे स्मॉल चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में इसको तोड़े हैं, तो डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, पर चलो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक। ये क्यू अंदर मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, डी क्यू के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब ये जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है इन दोनों में कैपिटल क्यू को छोड़ के स्मॉल क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम इधर ले लेते हैं, डी ए बाई डी क्यू इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर क्यू डी क्यू बाई डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू, क्या देखा के बाई आर स्क्वायर क्यू को छोड़ देंगे, मुझे डी क्यू बाई डी क्यू क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, माइनस डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू क्या हो जाएगा ये आपको हो जाएगा टू क्यू, तो k बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू, ये डिफ्रेंशिएशन है, और हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं f मैक्सिमम होने के लिए डी एफ बाई डी क्यू क्या होना चाहिए जीरो, यानी कहने का मतलब क्या है k बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू इजल टू जीरो ये होना चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट q माइनस टू क्यू इजल टू जीरो इम्प्लाइज दैट q बाई क्यू इजल टू क्या आ गया, चलो टू, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है बात, बात सबको समझ में आया, चलिए होप सो ये बात सबको समझ में आया हो कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली में आप क्लास 11 में भी मैथ में पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स में यूज किया गया। अगला सवाल देखो, चलो अगला सवाल क्या है कि बोला गया कि भाई कोई दो आइडेंटिकल स्फीयर जिसमें क्यू चार्जेस है उनमें हम लोग हीलियम गैस भर रहे हैं, ठीक है। जनरली मान के चलो बैलून है, वो क्या है, वो बैलून, इस बैलून में हम लोग हीलियम गैस भरे हैं और इसमें चार्जेस पाए जा रहा है दोनों में, वो क्यू क्यू चार्ज पाया जा रहा है, इन दोनों हीलियम बैलून को हम लोगों ने एक डब्लू वेट से बांध दिया और नीचे आपका डब्लू वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चा लोग वह है टू एक्स, ये लेंथ एल माना गया, तो ये क्या हुआ थीटा एंगल के पे बन रहा है, तो ये जो दूरी होगा ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक। तो बोला ये गया, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि q का क्या वैल्यू होगा या q का क्या मैग्नीट्यूड है, दूसरा कितना वैल्यू वॉल्यूम होगा बैलून का ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों लोग, इसका तोड़ेंगे हम लोग कंपोनेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जनरली क्या लगता है, टेंशन, क्या लगता है, टेंशन, तो टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा, अगर इधर के लेंगे तो इधर का टेंशन इधर होगा, इसका टेंशन इधर होगा, इसका टेंशन इधर होगा और इसका टेंशन इधर होगा, ठीक है। अब इस टेंशन का हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो इस टेंशन का इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा, क्लियर। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आपका आएगा टी साइन थीटा और इधर टी कॉस थीटा, कोई दिक्कत बच्चा लोग, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, तो इस टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा और एक इधर आएगा टी साइन थीटा, कोई दिक्कत। इन दोनों सेम चार्ज इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज एफ ई, ऊपर की ओर क्या लगेगा,
एयर की वजह से अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको मान लेते हैं बी, कह दिक्कत, बाइंड फोर्स कह सकते हो। चलो देखो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कंपोनेंट तोड़ लिए, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है, यानी टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। एफ ई बराबर टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा बराबर भाई मेरा क्या आया, एफ ई। इक्वेशन वन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन टू से डिवाइड करेंगे, वन को टू से डिवाइड किया मैंने, तो वन को टू से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टी साइन थीटा बाई टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई डब्ल्यू, टी से टी कट गया तो ये क्या आ गया, टैन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई बाई डब्ल्यू, क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, इसको मिटा देते हैं, चलो यहाँ लिख देते, चलिए एफ इज इक्वल टू वन बाय टू टैन थीटा इंटू डब्लू, ठीक। या आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ई का मतलब क्या होता है, एफ ई का मतलब, एफ ई का मतलब होता है भाई कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो है वो याद होगा, तो एफ ई को हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई टू एल का होल स्क्वायर, या टू एक्स लिया ना, सॉरी टू एक्स, टू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू टैन थीटा इंटू डब्लू। तो भाई हमको निकालना था क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इजिकल टू आ जा रहा है आपका फोर एक्स स्क्वायर बाई टू के टैन थीटा इंटू डब्लू, तो क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर टैन थीटा इंटू डब्लू बाई के, ज़्यादा हो तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं इस तरीके से, क्यू इजिकल टू अंडर रूट के वैल्यू वन बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू एक्स स्क्वायर टैन थीटा इंटू डब्लू, तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इजिकल टू आपका हो जाएगा फोर टू जेड एट पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर टैन थीटा इंटू डब्लू। तो ये बच्चा लोग क्यों निकाल के, इसका वॉल्यूम ही निकालना। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कुछ था नहीं इसमें, सिंपल सा सॉल्यूशन है ये। अब वॉल्यूम निकालना है बच्चों, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जनरली क्या होगा, आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हम लेंगे कि नीचे इसका बैलून का भाई वेट लग रहा होगा mg, तो कहने का मतलब क्या, टी कॉस थीटा प्लस mg इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज बी, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स। देखो ये जो बैलून है इसके नीचे की ओर क्या लग रहा है भाई, टी कॉस थीटा कंपोनेंट प्लस mg लग रहा है, जो कि ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर है, और ये जो फोर्स है mg के बराबर है, कोई दिक्कत। तो टी कॉस थीटा प्लस mg इज इक्वल टू व्हाट, बी। तो टी कॉस थीटा mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास का मतलब होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास की जगह पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे, वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, बैलून का कि एयर का, यहाँ पे जो डेंसिटी लिए हैं हम भाई नीचे की ओर ले रहे हैं, यानी बैलून का ले रहे हैं, तो बैलून का जो डेंसिटी हम लेंगे वो लेंगे बच्चे लोग रो एच ई इंटू जी, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीलियम का जो डेंसिटी आप लीजिएगा, सॉरी बैलून का जो डेंसिटी लीजिएगा रो एच ई लीजिएगा, एयर का जो लीजिएगा रो एयर लीजिएगा, ठीक है। बी का मतलब क्या हो जाएगा, चलो वॉल्यूम इंटू रो एयर इंटू जी, जैसे कि बता चुके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वेट के बराबर है। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा यहाँ से कितना आया था, देखो तो टू टी कॉस थीटा हमने लिखे थे, टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डब्लू बाई टू, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं डब्लू बाई टू इज इक्वल टू बी रो हीलियम, सॉरी उधर भेज रहे ना, एयर ले लीजिए, रो एयर इंटू जी माइनस भी रो हीलियम इंटू जी, कह दिक्कत, हमको वॉल्यूम चाहिए भाई, तो डब्लू बाई टू इज इक्वल टू बी कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, रो एयर माइनस रो हीलियम इंटू जी, तो भी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा
वन बाई टू इंटू डब्लू बाई रो एयर माइनस रो हीलियम इंटू जी। तो ये क्वेश्चन था बच्चा लोग सिंगेज का, नहीं बना आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बहुत ईजी से सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हम दो स्टेप में बनाए, पहला काम क्या किए हैं, टू टी कॉस थीटा और डब्लू ले लिए और इसमें से टी एफ ई टी साइन थीटा ले लिया, क्या क्या क्यू का वैल्यू निकालना था। दूसरा केस में जो वॉल्यूम निकालना था, यहाँ पे क्या किया, टू कॉस थीटा और एम जी को बी के बराबर मान दिए, ये जो बाइंड फोर्स अब ले रहे हैं टी कॉस थीटा प्लस एम जी के बराबर है, हालांकि ये जो बी लीजिएगा वो भी एम जी ही लीजिएगा, ठीक, दैट इज़ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहने का मतलब मास जो ले रहे हैं ये आपका एयर का होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, अगला जो सवाल है बच्चा लोग ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। बोला ये दो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर है और हर एक का मास एम है, ठीक, उसको क्या किए हम लोग, किसी एक किस उसको हैंग कर दिया, हैंग कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से लटका दिए। देखिए दो स्ट्रिंग से हम लोगों ने एक बॉडी को लटकाया, ठीक, इसका आपका भाई मास है कुछ एम, मास दोनों का सेम है, ठीक है, मास आपका सेम है, इनके बीच में कुछ दूरी है भाई, दैट इज आर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एल, हर एक का लेंथ कितना है एल, और एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा, और ये जो एंगल बनाया जा रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर। तो पूछा ये गया है बच्चा लोग फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, मैंने हर एक स्फीयर में जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो आपको बताना, बहुत ही देर सवाल कुछ है ही नहीं। देखिए इधर टी जाएगा भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। अगर कंपोनेंट नहीं तोड़ने आता तो देखिए सीख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका टी था, इधर थीटा था, इधर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। हमेशा याद रखिएगा जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस होगा, उसका परपेंडिकुलर में साइन, जैसे यहाँ पे थीटा है तो टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर में साइन थीटा, ठीक, और ये जो टी होगा बीच में होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टी जो है इधर कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा, टी क्या आया बीच में, क्लियर। अब बच्चे लोग अगर ये चार्जेस है इसमें दोनों में चार्जेस है तो ये क्या करे, रिपेल करेगा एफ ई, अगर सेम चार्जेस है तो हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा, इक्विलिब्रियम होने के लिए, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम होने के लिए, स्टेबल होने के लिए टी साइन थीटा एफ ई के बराबर होना चाहिए और टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, नीचे लगने वाला वेट एम जी के, अगर ग्रेविटेशन वहाँ पे होगा तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ग्रेविटेशन यहाँ पे अब्सेंस नहीं है, पहला बात तो समझ गया ना, यहाँ पे ग्रेविटेशन हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशन है, नहीं हो तो फिर उसका अलग केस बनता भाई। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को हम लोग टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया एफ ई और टी कॉस थीटा बराबर आ गया एम जी, क्लियर। तो भाई डिवाइड किए हैं, टी से टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट एफ बाई एम जी, एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा, और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई, ये दूरी कितना होगा बच्चा लोग, इसको अगर हम आर माने थे ना शुरुआत में, शायद आर माने थे, आर अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका दूरी नहीं आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। जैसे देखिए ये साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट पी बाई एच होता है, तो भाई पी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, ये एल साइन थीटा होगा और ये भी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा व्हाट टू एल साइन थीटा, नहीं समझे, ये ट्रायंगल देख लो, इस ट्रायंगल के केस में ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल इस केस में साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, इसको बिठा दो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, दैट इज पी बाय एल, पी बराबर क्या आ गया एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा और ये एल साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये टू एल साइन थीटा, ये दे दिया ठीक, नहीं दिया तो आपको टू एल साइन थीटा मानना पड़ेगा, हम यहाँ पे टू एल साइन थीटा ले रहे हैं, टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा, ठीक है। तो भाई क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी
टैन थीटा, तो क्यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 कर लो इसको, 16 साइन स्क्वायर थीटा एम जी टैन थीटा, इसका बचा लो अंडर रूट। यानी जो क्यू का वैल्यू आपका आ रहा है सॉल्व करने पे, वो आ रहा है क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टैन थीटा। क्लियर है, बात समझ में आया? तो ये था बच्चों चलो एक सवाल। इसी पे और कुछ बहुत सारे सवाल है ना, इसी स्ट्रिंग को हम यहाँ से उठा के फिर पानी में डुबा देंगे भाई, कुछ भी किया जा सकता है, कई तरह का क्वेश्चन इस पर क्रिएट किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, बोला ये क्या कि तीन चार्ज पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 Q2 जो है बस चलो वो फिक्स है, ठीक है, इनके बीच का दूरी सेम माना गया, ठीक है, ये x है तो ये भी x है, तो बोला कि Q1 Q2 फिक्स है, ठीक, Q3 पे फोर्स लग रहा है, तो Q3 पे भाई कितना फोर्स लगेगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, ठीक, या इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 में क्या रिलेशन होगा कि जो Q3 जो है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। क्वेश्चन ये बोला गया, फिर से सुन लीजिए, Q1 Q2 आपका फिक्स्ड है, Q3 आपका मूव कर रहा है, Q3 के इक्विलिब्रियम होने के लिए Q1 Q2 के बीच में क्या रिलेशन होगा कि सो दैट Q3 आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। देखिए तो भाई Q1 की वजह से Q3 पे फोर्स लगेगा इधर F1, Q2 की वजह से Q3 पे फोर्स लगेगा दैट इज F2, इन डायरेक्शन सेम है वो, चलो तो F1 प्लस F2 जो होगा वो जीरो होगा, तभी तो मेरा Q3 इक्विलिब्रियम में होगा। पहला बात है क्लियर, क्वेश्चन ये बोला Q1 Q2 फिक्स्ड है, Q3 मूव कर रहा है, ठीक, तो Q3 मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए Q1 Q2 में क्या रिलेशन हो कि इक्विलिब्रियम में हो, तो कंडीशन ये है कि F1 और F2 का जो सम होगा जीरो हो जाना चाहिए, तभी भाई मेरा इक्विलिब्रियम होगा, रुका रहेगा एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक, तो भाई इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q3 / 2x का होल स्क्वायर प्लस Q3 हो गया, Q3 कितना हो जाएगा भाई 1/4πε0 Q3 / x² = 0, कोई दिक्कत, 1/4πε0 कट जाएगा, ये चल गया जीरो पे हो जाएगा, ये Q1/4x² प्लस Q2/x² Q3 भी कट जाएगा, चलो उधर जाकर जीरो हो जाएगा, = 0, ठीक, x² से x² कट गया, तो Q1 = -4 Q2, ये रिलेशन आएगा आपका। बहुत इजी सवाल है ना, मैथमेटिकल टर्म ये कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, हमको मैथ का यूज़ करके इसको सॉल्व कर दिए। नहीं समझ में तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1/4πε0 Q1 Q3 / 2x का होल स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच की दूरी प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 / x² = 0, 1/4πε0 1/4πε0 इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कहानी खत्म, Q3 दोनों में जब पाया जा रहा है ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा 0 खत्म, 2x² का हम लोग लिखे 4x² / x², तो x² कॉमन निकल के इधर चला जाएगा तो 0, तो बचा क्या Q1/4 प्लस Q2, तो Q1 = what Q2 इधर जाएगा माइनस होगा, तो Q1 = -4Q2, इतना सा बेसिक सा सवाल, क्लियर है ये। चलिए एक और सवाल करते हैं, ये थोड़ा सवाल थोड़ा बच्चों को टफ कर रहे हैं ना, ज़्यादा टफ लगेगा तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप लोग कर सकें, हाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी पीछे पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग कर लीजिएगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल बोला गया है कि भाई 2 आइडेंटिकल स्फीयर है और हर एक का चार्ज क्या है, ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ अपोजिट साइड, कहने का मतलब क्या है, दोनों चार्ज जो है, एक चार्ज अगर पॉजिटिव है दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव है, ठीक, अब दोनों जब नेगेटिव है तो बच्चे लोग क्या करेगा, ऑब्वियसली बात अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने का जो फोर्स जो ले रहा है वो लगभग ले रहा है 0.108 न्यूटन, ठीक, बोला गया दो चार्ज है आपका Q1 - Q2, एक Q1 है एक आपका -Q2 है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, ठीक, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो आपका ले रहा है कितना F =
0.108 न्यूटन लेना है, ठीक। डिस्टेंस आपका दे दिया है, सॉरी डिस्टेंस हाँ दिया, कितना डिस्टेंस दे दिया है 0.5 मीटर। अब क्या किया है भाई, फिर दोनों को बॉडी को कनेक्ट किया गया है कंडक्टिंग वायर से, यानी Q1 Q2 को हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके सेम डिस्टेंस पर रख दिए, सेम डिस्टेंस। अच्छा हाँ सेम डिस्टेंस पर रख दिया गया। Q1 Q2 को हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो उनके बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स लगता है, अब लग रहा है फोर्स 0.036 न्यूटन। तब बोला गया कि भाई चलो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन ये है कि Q1 Q2 कोई दो अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है 0.5 मीटर, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स 0.108 न्यूटन लग रहा है, ठीक। अब क्या किया, Q1 Q2 को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है 0.036 न्यूटन, ठीक। सेम डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो बोला गया कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, यह है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कर दें। तो भाई मेरा जो जो चीज़ दिया उसको लिख लीजिए, पहले F मेरा दे दिया है 0.108 न्यूटन, डिस्टेंस दे दिया है 0.5 मीटर, ठीक। रिपल्सिव के बाद रिपल्सिव फोर्स दे दिया है 0.036 न्यूटन, दे दिया ना भाई 0.036 न्यूटन। चलो देखो F इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी सिंगेज का सवाल है, ठीक है, सिंगेज बोल सकते हो, बोर्ड बोल सकते हो, बोर्ड का सवाल है, कैसे एक तरह का बोर्ड का सवाल है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स दे दिया आपका 0.108 इज इक्वल टू के वैल्यू क्या दिया, चलो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर मेरा कितना दे दिया 0.5 का होल स्क्वायर, तो Q1 × Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.108 × 0.25 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करने में कितना आएगा भाई 108 × 25 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। यहाँ से 3, यहाँ से 2, लगभग 10⁵ नीचे आ जाएगा, है ना, ये 9 के टेबल में कितना बार मिल जाएगा, 9 × 9 × 9 = 18। तो भाई Q1 × Q2 कितना आ गया, Q1 × Q2 आपका आ जा रहा है 12 × 25, तो भाई 300 × 10⁻¹⁴, ठीक। देखिए 9 + 5 कितना होता है 14, तो 10⁴ ऊपर के 10⁻¹⁴ हो जाएगा, तो 3 × 10⁻¹⁛ कुल आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया Q1 × Q2, लेकिन भाई हमको क्या चाहिए, Q1 और Q2 का अलग अलग वैल्यू चाहिए, ये तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखा चलो यहाँ पे भी F इक्वल टू के Q1 − Q2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, सर ये क्योंकि, तो जैसा कि दूसरे सवाल में पूछा गया था Q1 Q2 कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पे तो हम लोग कॉन्सेप्ट कंडक्शन ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी दो चार्ज को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे या टच कराएंगे तो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो Q1 − Q2/2 तो इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो F इक्वल टू के Q1 − Q2/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आर एस हो बाई डिस्टेंस है बच्चे लोग सेम, तो ये आपका था 0.036 इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹⁵ Q1 − Q2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यानी कि 0.25 आर का स्क्वायर भाई 0.25। Q1 Q2 का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा कितना है भाई, लिख लीजिए इधर Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹²। देखिए तो यहाँ से भाई Q1 − Q2 कितना जाएगा, Q1 − Q2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.036 × 0.25 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। तो यहाँ से भाई फिर नीचे 10⁵ आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 9 के टेबल में ये 4 बार में जा रहा है, तो Q1 − Q2/2 का होल स्क्वायर
इजिकल टू कितना हो जाएगा, चलो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 10 का पावर माइनस 14। तो इस फॉर्म लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 12 लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 12। तो Q1 माइनस Q2 4 इंटू 10 का पावर माइनस 12, कोई दिक्कत यहाँ तक हम लोग लिखे है ना, 2 2 4 ठीक है। Q1 माइनस Q2 इज़ इक्वल टू कितना जगह 2 × 10 का पावर माइनस 6। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे बच्चे लोग, थोड़ा मैथ है इसमें। अब आपको Q1 माइनस Q2 मिल गया, Q1 × Q2 मिल गया भाई, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 × Q2। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 × Q2, तोड़िएगा तो वापस यही फॉर्मूला आएगा। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 × 10 का पावर माइनस 12 प्स 4 × Q1 × Q2 कितना, 3 × 10 का पावर माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 16 16 × 10 का पावर माइनस 12 ऐड हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का पावर सेम है। तो Q1 प्लस Q2 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 × 10 का पावर माइनस 6, और Q1 माइनस Q2 आपका कितना आया, ये आपका आया 2 × 10 का पावर माइनस 6। तो एक बार दोनों को ऐड कीजिए और एक बार सबट्रैक्ट कीजिए, देखिए Q1 का ऐड करेंगे, Q2 से कट जाएगा, एक बार भाई इसको ऐड करो, एडिंग वन एंड टू तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, चलो Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 × 10 का पावर माइनस 6। Q2 से Q2 कट गया तो 2 Q1 इज इक्वल टू 6 × 10 का पावर माइनस 6, तो Q1 इज इक्वल टू व्हाट, 3 × 10 का पावर माइनस 6। Q1 आपका 3 × 10 का पावर माइनस 6 है, तो Q2 कितना आ जाएगा, पुट कर लीजिए तो आपको Q2 आ जाएगा 10 का पावर माइनस 6। ठीक, चलिए तो सब बच्चा लोग ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया हो, इसी तरीके से हम लोग खूबसूरत से क्वेश्चन आगे करते जाएंगे है ना, और किसी तरीके से आप लोग क्लास 12 का लेक्चर हम लोग का देखते रहिए, ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।